ये कोरोना वायरस आज का नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस है। हम लोग अपने इंटर आप लोगों ने अपने MBBS के कोर्सेज में कोरोना वायरस को पढ़ा हुआ है, जिस तरीके से हर्पीज वायरस है, स्मॉल पॉक्स का वायरस है, उसी तरीके से कोरोना वायरस भी बरसों से मौजूद है। उसकी कुछ वेराइटीज़ कभी कभी फर्मिनेंट हो जाती हैं, और वही एक फर्मिनेंट वेराइटी ने चाइना में इन्फेक्ट किया और वो ट्रांसमिट हुआ। अब कुछ एक देशों में उसका प्रभाव हल्का हो रहा है और कुछ में बहुत तेज हो रहा है। इटली में चाइना के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा प्रभाव आया। उसका कारण एक तो थोड़ा सा वहाँ का एटमॉस्फेयर और वो एजेड पॉपुलेशन है, सेकेंड इज दैट कि विरुलेंसी ऑफ द वायरस जो कि इन्फेक्शन कर रहा है वो बहुत प्रबल है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोगों की हताहत हो रहे हैं, मर रहे हैं। इंडिया में भाग्य से अभी तक उसका हल्का वेरिएंट है, जो पुराना वहाँ से चला आया है। अगर उतना ही तेज वेरिएंट उतनी तेजी से फैल रहा होता तो हम लोग ज़्यादा गंभीरता से ग्रसित हो रहे होते। ऐसा कुछ एक रिसर्चेस में आया है, पर अभी प्रूफ पूरे तरीके से नहीं हुआ है, पर अनुमान यही है कि हमें थोड़ा सा हल्का हुआ है। पर हल्के वायरस को भी हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर अपने को चेंज करके कब गंभीर वाला बन जाए ये आपको नहीं मालूम। तो वायरस के बारे में ये पता है।